हेलो एवरीवन वेलकम टू जे नीट एजुकेशन माई नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देख ली थी और हमने ये भी देख लिया था कि इनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है इसके लिए हमने दो मॉडल्स की स्टडी कर ली थी एक हमने थॉमसन मॉडल की स्टडी की थी और सेकेंड हमने रदर मॉडल की स्टडी की थी तो रदर मॉडल की स्टडी जब हमने की थी तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स मिले हुए थे हमें फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम की जो स्टेबिलिटी होती उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए सेकंड उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया थर्ड जो मेन उनका ड्रॉबैक था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम या जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है आपने क्लास टेंथ में ह्यूमन आई एंड वर्ल्ड फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो वो जो सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं तो वैसे ही जब यहाँ पर हम कोई गैस ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम अगर हमने गैस लिया और उस गैस से हम वाइट लाइट को पास करें तो उसके बाद हमें कुछ और डिफरेंट कलर्स की लाइट ऑब्जर्व होती है तो किसी एक गैस के लिए कुछ डिफरेंट कलर कुछ किसी दूसरा गैस लेते हैं तो और कुछ कलर मिलता है तो ये जो कलर्स वहां मिल रहे थे मतलब हमें किसी एलिमेंट से जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो बिल्कुल हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रदर के मॉडल से तो अब इस जो ड्रॉबैक था इसको समझने के लिए या ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो एनर्जी वहाँ पर एमिट हो रही थी उस एनर्जी के नेचर को समझना पड़ेगा कि वो जो एमिटेड एनर्जी थी जो स्पेक्ट्रम वहाँ एमिट हो रहा था या जो वाइट लाइट आ रही थी वहाँ पे पहले उसके नेचर को समझ लेते हैं हम तो वो जो एनर्जी होती है जो लाइट हो एनर्जी जो एमिट होती है उस एनर्जी के नेचर को समझने के लिए हम यहाँ पर दो थ्योरी की स्टडी करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेकेंड और ये प्लांग क्वांटम थ्योरी तो हम आज के लेक्चर में और इसके आज के लेक्चर में हम यही जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसके बारे में समझने वाले हैं जो कि हमें जो किसी भी सब्सटेंस होता है उससे जो लाइट एमिट होती जो एनर्जी एमिट होती है उसके नेचर के बारे में आज हम स्टडी करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं यही देख लेते हैं पहले तो ये जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864 में तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी दी गई थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के थ्रू दी गई थी अब देखते हैं कि उन्होंने थ्योरी में बताया क्या था द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक The heated rod or the filament of the bulb through which electric current is passed. कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इस कॉल्ड द रेडिएट एनर्जी तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है जिससे एनर्जी एमिट होती है जैसे कि रॉड ले लिया उसके बाद बल्ब बल्ब के फिलाेंट से जो एनर्जी एमिट हो रही है तो वो जो एनर्जी होती है वह कंटिन्यूस होती है ओके okay? कंटीन्यूसली हम तक पहुँचते जाती तो उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि जो एनर्जी एमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है वो किस तरह से होती है वो कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है रेडिएशन के फॉर्म में अमिट होते रहती है, है। और इसी एनर्जी को उन्होंने क्या बोला रेडिएंट एनर्जी कहा क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि जो सब्सटेंस होते हैं द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूस एंड दिस एज कंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट हो रही है फॉर एग्जांपल ये जो और रेडिएशंस के फॉर्म में होती है क्लियर ये जो अब रेडिएशंस और ये जो एनर्जी होती है जो रेडिएशन के फॉर्म में होती है इसको क्या बोला गया वहां रेडिएंट एनर्जी बोला उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर थ्योरी का Second, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्कुलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर अब ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है जो हम एनर्जी यहाँ एमिट हो रही है ये जो एनर्जी होती है वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए होती है मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस एनर्जी के साथ एसोसिएट होते हैं और ये दोनों ही फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के पर होते हैं ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड साइड ये रेड रेड साइड जो यहाँ पे आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से और ये इसके परपेंडिकुलर में देखिए ब्लू कलर से ये है मैग्नेटिक फील्ड क्लियर ये जो एनर्जी होती है वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट किए होती है और इस जो एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है मतलब वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है वो कैसी होती है इन दोनों ही फील्ड के परपेंडिकुलर होती है क्लियर एंड द बोथ द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द रेडिएशन इन दोनों ही जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर से इसका प्रोपगेशन होता है इस एनर्जी का ठीक है ये जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है कंटिन्यूसली होने रहती है इसको क्या बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है ये जो रेडिएट एनर्जी होती है ये अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट किए होती है जो कि दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं अब ये प्रोपोगेट कैसे करती है मतलब आगे कैसे बढ़ती है ये दोनों ये कैसे आगे बढ़ती है ये दोनों फील्ड होते हैं ये दोनों फील्ड दिख रहे हैं आपको ये इस रेडिएट एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये ऐसे इधर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है यहाँ ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको ये जो रेड ले कलर में दिख रहा है ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है ये आपका वेव हो जो एनर्जी है वो ये एनर्जी हो गई ब्लैक वाली इस एनर्जी में देखिए इसके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये ब्लू वाला जो वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ठीक ये दोनों ही कैसे होते हैं ऑस्कुलेट करते रहते हैं क्लियर अब ये ऑस्कुलेट करते रहेंगे दोनों और ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपको दिख रहा होगा कि ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ये जो रेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तो ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये जो हम एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी है इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोकेशन देखिए इन दोनों ही एनर्जी के परपेंडिकुलर है ये ये देखिए ये 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 हो गया इसके साथ और इधर से ये यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बन रहा है आपका ठीक तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये इधर अप साइड में आपको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑस्कुलेट हो रहा है और इन दोनों के बीच से 90 डिग्री पर इन दोनों के 90 डिग्री पर इन दोनों के परपेंडिकुलर इन दोनों पर फील्ड के परपेंडिकुलर में वो जो एनर्जी है वो क्या होती है प्रोपोगेट होती है क्लियर इतना दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए इस थ्योरी के तो नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला तो जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर अब ये जो रेडिएशन एनर्जी होती है जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो वेव कैरेक्टर की होती है एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट नियरली थ्री इंटू टेन टू दावर एट ये टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड क्लियर ये जो एनर्जी होती है जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है किस नेचर की होती है वेव नेचर की होती है अब ये वेव क्या होता है वेव आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे तालाब है तालाब में आप जो पत्थर डालते हैं तो वहां से सर्कल्स बनने लगते हैं को सर्कल्स बनने लगते हैं और वो सर्कल्स थोड़े दूर जाते जाते हैं जाते जाते हैं। तो वैसे ही इन्हीं को ही ही हम वेव्स बोलते हैं तो ऐसे ये वेव्स क्या होते हैं एक टाइप का डिस्टर्बेंस होते हैं जो कि मीडियम में जो कि आप बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक ठीक ए वन प्लेस टू अनादर वे क्या करते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करते हैं वेव जो एक टाइप का डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो वैसे ही ये जो एनर्जी होती है ये जो एनर्जी रेडिएंट एनर्जी है ये एनर्जी किस नेचर की होती है ये एनर्जी होती है वेव नेचर की होती है क्लियर और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है नियरली लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट नियरली थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो बिकॉज ऑफ द अबोव कैरेक्टरिस्टिक द रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इस वजह से ये जो एनर्जी होती है जो रेडिएंट एनर्जी होती है जो कि अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट किए होती है और वेव नेचर की होती है और इसलिए इसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है लास्ट पॉइंट है डीज दीज़ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन जैसे आ, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको अपने प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है लाइक like, जैसे सन सन से जो हमें रेस मिलती है उनको कुछ मीडियम चाहिए रहता है क्या आने के लिए नहीं ना वो सीधा सन से हम तक पहुँच जाती सन रेज सीधा हम तक पहुँचती वो उसके बीच में कुछ मीडियम है क्या नहीं वैसे ही ये जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल रे सन रेस फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू स्पेस विच इज़ नॉन मटेरियल मीडियम ठीक तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो क्लियर हो गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसके लिए थी जो रेडिएशंस एमिट होते हैं किसी भी सोर्स से उसके लिए थी तो ये जो एमिटेड एनर्जी होते हैं वो किस फॉर्म रेडिएशंस के फॉर्म में जो एनर्जी एमिट होती है इसे हम क्या बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है अब ये जो रेडियंट एनर्जी होती है वो अपने साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैकेनिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही एसोसिएट किए होते हैं मतलब इसके साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साथ में होते हैं ठीक और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोकेशन कैसा होता है इस एनर्जी का रेडियंट एनर्जी का इन दोनों ही फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ठीक यहां से क्लियर हो रहा होगा आपको ये हो गया इस ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रेडियंट एनर्जी का और इस रेडियंट एनर्जी में देखिए ये जो रेड रेड है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रहा है और ये जो ब्लू कलर्स में वेव्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं तो ये यहाँ से क्लियर होगा कि ये तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑस्किलेट कर रहे हैं ऑस्किलेट करना मीन्स ये इस तरह से ये यह यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे जाते हैं पास होते रहते हैं दो, दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ठीक ऐसे पूरे परपेंडिकुलर ये ऐसे ये ये इस तरह से और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाली ये ये थोड़ा सा वो थ्री डी में आप इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है और ये जो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है इस रेस का ये जो रे एनर्जी है वो कैसा होता है इन दोनों के ही परपेंडिकुलर यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड शो हो रहा होगा यहाँ इस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम कर पा रहे होंगे इमेजिन कर पा रहे होंगे और ये ये इनके बीच से 90 डिग्री पर ये जो रेज होती हैं ये जो इन जो एनर्जी होती है रेडिएंट एनर्जी होती है वो प्रोपगेट होती हैं ये जो एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी वो किस नेचर की होती है वेव्स नेचर की मींस ये एक डिस्टर्बेंस है ये वेव्स क्या होता है एक टाइप का डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो ये कैसी होती है वेव नेचर की होती है और इनकी वेलोसिटी कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड लाइट की वेलोसिटी के इक्वल इसी वजह से इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है ठीक और ये जो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ये विथआउट बिना किसी मीडियम के ये प्रपोगेट कर सकती हैं जैसे कि सनरेज हम तक आती हैं ठीक ये क्लियर हो गया आपको तो अब हम इनके लिए कुछ जनरल टर्म्स देखने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट है तो ये वेव्स इस तरह की होती जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कुछ ऐसी होती है ये वो इस तरह से प्रोपोगेट होती रहती है क्लियर ये जो अप साइड पे दिख रहा होगा ऊपर की तरफ ऐसे उभार जो दिख रहा होगा आपको उसको बोला जाता है क्रीस्ट और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वो होता है ट्रफ ठीक तो ये बहुत ही नए नए टर्म्स हैं जिससे आप अब इंट्रोड्यूस होने वाले हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं वेवलेंथ तो वेव लेंथ में ये आपका ये वेव हो गया इस वेव्स में ये किस तरह से होता है एक क्रीस्ट होता है और एक ट्रफ होता है ये यहाँ से ये कंप्लीट वेव है एक वेव में एक क्रीस्ट और एक ट्रफ ठीक तो यहाँ वेव में देखिए ये जो कंटिन्यूसली वेव्स के फॉर्म में जाते जा रहा है तो ये दो कंटिन्यूस जो टू क्रीस्ट होते हैं ठीक या कंटिन्यूअस जो दो ट्रफ्स होते हैं तो जो दो कंटिन्यूस क्रिस्ट या दो कंटिन्यूस ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं है, और इसे कैसे किया जाता है लैमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटिन्यूस क्रिस्ट और ट्रफ्स ओके एनी टू कॉन्सेप्टिव क्रिस्ट और

क्रीस्ट या दो कंसेक्टिव क्रज क्रीस्ट और ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं वेव लेंथ बोला जाता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है लेमडा ये जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं लेमडा बोलते हैं ठीक ये आपको बहुत अभी जो हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं उसमें आप बहुत नए नए वर्ड्स जानेंगे बहुत नए नए टर्म्स होंगे साइंस होंगे ठीक तो ये जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव ट्रफ्स और क्रीस्ट ओके okay? ये देखिए जैसे ये ये वेवलेंथ हो जाएगी ये अगर यहाँ पे एक और बना दे तो ये जो दो कंटिन्यूस ट्रफ्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ हो जाएगा तो वेवलेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं अब ये देख लेते हैं कि वेवलेंथ को हम जैसे मास होता है उसको किलोग्राम में बताते हैं वैसे वेवलेंथ को किस में बताते हैं तो एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रोंग ओके ये यूनिट भी आप नया से पढ़ रहे होंगे एंगस्ट्रोंग मीटर और सेंटीमीटर नैनोमीटर और पीकोमीटर तो इतने सारे जो यूनिट्स हैं इसमें आप जो वेवलेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें में कर सकते हैं मीटर में कर सकते हैं सेंटीमीटर में कर सकते हैं नैनोमीटर में कर सकते हैं पीकोमीटर में कर सकते हैं तो अब इनका एक दूसरे से रिलेशन देख लेते हैं तो वन एंग वन एंग होता है टेन टू दी पावर माइनस एट सेंटीमीटर के ओके okay? और टेन टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर और वन एंग स्ट्रॉन्ग इक्वल होता है किसके टेन टू दी पावर माइनस टेन मीटर के ठीक यहां देखिए वन एंग स्ट्रॉन्ग क्योंकि तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप इससे रिलेटेड अभी हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो जनरली जो ये वेवलेंस होती हैं उनको हम ऐसा ही यूनिट में कंसिडर करते हैं तो आपको मीटर में इनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ठीक है आपको यूनिट्स जो है वेवलेंथ की वैल्यू हो सकती है पीकोमीटर में दी हुई हो एंग स्ट्रॉन्ग में दी हुई हो लेकिन आपको उन्हें किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर में करना होगा तो उसके लिए आपको कन्वर्जन या आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि वन इज इक्वल्स टू कितने मीटर

वन एनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी वन एनोमीटर इज इक्वल्स टू टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर वन पीकोमी पावर माइनस ट्वेल्व मीटर ठीक ये क्लियर हो गया वेव लेंथ वेव लेंथ क्या होता है दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्टिव ट्रफ्स एंड ट्रफ्स एंड क्रीस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैमडा ठीक रैमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं इसे आप एंगस्ट्रॉन्ग में बता सकते हैं सेंटीमीटर मीटर्स और पिकोमीटर्स में भी बता सकते हैं बट आपको इनके कन्वर्जन्स आने चाहिए कि वन एंगस्ट्रॉन्ग इजिकल्स टू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर और टेन टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर वन नैनोमीटर इजिकल्स टू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर डिटेंस हो हो होता है किसके बीच का टू कंसेक्टिव ट्रफ्स एंड क्रीस्ट के बीच का ठीक नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ये सारे टर्म्स आपने पहले पढ़े hmm, शायद हाँ क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा वो साउंड वाला चैप्टर था जो फिजिक्स में वहाँ पर ठीक तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा अभी यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी आएगा टाइम पीरियड आएगा और भी बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं तो फ्रिक्वेंसी देखिए अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है जैसे आप फैन फैन लगातार ऐसा राउंड होते रहता है गोल गोल घूमते रहता है तो उस फैन को एग्जांपल लेके हम सोचते हैं कि ये जो फ़ैन है वो एक मिनट में एक मिनट में या आप एक सेकंड ले लीजिए चलिए एक सेकंड में जितने सर्कल्स कंप्लीट कर पाता है ठीक एक मिनट में जितने भी सर्कल्स उसने कंप्लीट कर पाए उसको आप क्या बोलेंगे उस फैन की फ्रिक्वेंसी बोलेंगे आप ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि जैसे फ्रीक्वेंसी आप मतलब समझिए फिर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि जैसे ये फैन है ये फैन को आप एक मिनट में ले लीजिए ठीक एक मिनट में वो जितने भी राउंड्स ऐसे कंप्लीट कर पाए उसको जितने भी राउंड्स वहां पर कंप्लीट होंगे उसको ही आप क्या बोलेंगे उस फैन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो इस समय ये जो फैन है एक पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार ऐसे उसी पॉइंट के चारों तरफ या उसी पॉइंट से बार बार जाते जा रहा है फैन जो है वो उसके तीनों जो ब्लेड्स है ठीक तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लियर हुई आपको कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि जो फैन है वो फैन एक मिनट में जितने भी सर्कल्स कंप्लीट करेगा उसको आप क्या बोलेंगे उस फैन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ठीक तो वैसे ही वेव्स के केस में क्या आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड ठीक तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में जितने वेव्स पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ठीक जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट इसका हम एक ले लेते हैं ये हो गया इस फैन के सर्कल का एक पर्टिकुलर पॉइंट तो इस सर्कल इस पॉइंट से ये फैन के जो ब्लेड्स है वो जितने बार भी पास हुए होंगे ठीक सर्कल कंप्लीट किए होंगे तो ऑब्वियस इस पॉइंट को क्रॉस करके गए ही होंगे इसको पार करके गए ही होंगे तो वैसे ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे कितने टाइम्स में वन सेकेंड में थी? तो वन सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोला जाता है क्लियर है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से ये थोड़ा इस टाइप का बनता है ये ऐसा यहाँ पे आपको वी दिख रहा होगा बट ऐसा वी टाइप का नहीं रहता वो थोड़ा ऐसे ये न्यू और इसे रीड कैसे किया जाता है प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है न्यू बोला जाता है ओके ठीक एंड इट इज एक्सप्रेस इन हर्ड्स इसे यूनिट क्या हो गई हर्ड्स साइकिल पर सेकेंड और सिंपली सेकेंड इनवर्स या सेकेंड बोला जाता है तो इसको यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप हर्ड्स सुनते होंगे जब रेडियो चलाते होंगे तो इसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इतना हर्ड्स ऐसा बोला जाता है ना तो वो हर्ड्स ही क्या है इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं हर्ड्स बोला जाता है फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई आपको कि द तो नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ वन सेकेंड तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड तो एक सेकंड में मात्र एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स इस पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ सोर्स से निकलेंगे तो एक वेव तो नहीं निकलने वाला है ना बहुत सारे वेव्स निकलने वाले हैं वहाँ से ठीक तो ये जो वेव्स हैं आगे बढ़ते बढ़ते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ये वेव आ गया एक ये वेव आ गया ये एक दूसरा वेव आ गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी वेव्स पास होंगे कितने सेकंड में एक सेकंड में ठीक तो एक सेकेंड में जितने भी वेव्स यहाँ पर पास होने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे हम फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा किसकी उस वेव की बोल ठीक है नेक्स्ट हाँ और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप न्यू से न्यू कैसे बनाते हैं ठीक ये वी नहीं होता ये थोड़ा सा ऐसे ठीक है न्यू और इसके यूनिट्स क्या है हर्ड्स हैं साइकिल पर सेकंड है सिंपली सेकंड इनवर्स भी और सेकंड भी बोलते हैं ठीक ये हो गया वेवलेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रीज एंड ट्रफ्स फ्रिक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकेंड रिप्रेजेंट किससे करते हैं न्यू से किया जाता है और न्यू से करते हैं और किससे और उसको यूनिट क्या है हर्ड है साइकिल पर सेकेंड है या सेकेंड इनवर्स है नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटीज तो अब ये वेलोसिटी क्या होती है क्या होती है वेलोसिटी तो वेलोसिटी आप सभी जानते हैं क्या होती है ठीक तो यहाँ पर देखिए वेव्स के केस में वेलोसिटी क्या होती है किसको बोलते हैं तो अलिनियर डिस्टेंस अलीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकेंड वेलोसिटी तो एक सेकेंड में सपोज आपके वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ठीक तो उसको हम क्या बोलेंगे उसकी वेलोसिटी बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इट इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स ठीक मत मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी आप क्या जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आप फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अगर टाइम को हम लोग वन कर दे तो वेलोसिटी किसके हो जाएगी डिस्टेंस के तो यहाँ पर इसी को ही लिखा गया है कि एक सेकंड में जो वेव है जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कवर करता है उसको ही क्या बोला जाता है ये वेलोसिटी बोली जाती है उस वेव की क्लियर यहाँ पर जैसे ये वेव है इस वेव ने ये वेव आ रहा है ये चलते गया चलते गया एक सेकंड में सपोज इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया ठीक वन सेकेंड में तो वो क्या हो गई उस वेव की वेलोसिटी हो गई कि वो वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है सपोज टेन मीटर कर ले रहा है या हंड्रेड मीटर का डिस्टेंस उस वेव ने ट्रैवल कर लिया वैसे वेव की स्पीड बहुत ज्यादा ज्यादा होती तो बहुत एक सेकेंड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर लेता है हमने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए हम ये सपोज कर रहे हैं मान रहे हैं कि एक सेकेंड में सपोज वेव ने टेन मीटर कवर कर लिया या हंड्रेड मीटर बाकी इसकी स्पीड तो आप जान ही रहे हैं थ्री इंटू टेन टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है थ्री इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है ये ठीक तो एक सेकंड में जो वेव है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा कवर कर लेगा उसको ही आप क्या बोलेंगे उसकी वेलोसिटी बोलेंगे रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप सी से करेंगे और इसके यूनिट्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड ठीक तो ये आप इसके यूनिट्स यूज कर सकते हैं ठीक है ये तीनों ही टर्म्स आपको क्लियर हो गए वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है अब चल फिर से वेव बना लेते हैं ये हो गया हमारा वेव वेव ओके तो ये क्रीस्ट और ये ट्रफ ठीक तो एम्प्लीट्यूड किसको बोला जाता है ये जो क्रीस्ट है उसकी जितनी भी हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोला जाता है या ये ट्रफ है उसकी जो डेप्थ होती है वो जितना नीचे गया जितने गहराई में गया डेप्थ में गया उसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोला जाता है और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द हाइट ऑफ द क्रीस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ठीक तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हाइट ऑफ द क्रीस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ तो ये क्रीस्ट की जो हाइट होगी ये एम्पलीट्यूड हो गया ये एम्पलीटूड हो गया यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है ये आप हाइट बोलते ये जो हाइट होती है की या जो ट्रफ का जो डेप्थ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोला जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक एम्पलीट्यूड भी क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट है वेव नंबर ओके, okay. वेव पढ़ लिया वेव लेंथ पढ़ लिया अब आता है कौन वेव नंबर अब ये क्या है वेव नंबर आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या क्या टर्म्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बट आप ध्यान से समझिए वीडियो को एक बार दो बार देखिए आपको बिल्कुल जरूर समझ आएगा ये जब सारे टर्म्स हो जाएंगे तो मैं इनको क्विक रिविजन भी करा दूंगी आपको तो आपको वो और क्लियर हो जाएगा ठीक स्टार्टिंग में सभी को लगता है कि अरे समझ नहीं आ रहा फिर आप जब इसको समझेंगे वीडियोस देखेंगे आप उसे पढ़ेंगे और अब जब उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये सारे टर्म्स ठीक तो फर्स्ट हम देखते हैं फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या वेव नंबर तो वेव नंबर क्या होता है चलिए देखते हैं वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर लेंथ तो वन सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेव्स प्रेजेंट हैं उनको आप क्या बोलेंगे वेव नंबर बोलेजिए नंबर से किया जाता है न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक तो वेव नंबर क्या होता है एक सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेवस प्रेजेंट होंगे उनको आप क्या बोलेंगे वेव नंबर बोलेंगे और इविडेंटली ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं किसके एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके रेसिप्रोकल होते हैं ये वेव लेंथ के ठीक और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है न्यू बार के तो न्यू बार इज इक्वल्स टू वन बाय लेमडा ठीक है तो न्यू बार जो वेव नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है लेम्डा वन बाय लेमडा के ठीक इसको आप रिप्रे lambda का यूनिट क्या था सेंटीमीटर था तो इसका वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ठीक है वेव नंबर क्लियर हो गया अब लास्ट टर्म देखते हैं हम लास्ट टर्म है टाइम पीरियड ठीक तो ये देखिए अब फिर से आप वो पंखे वाली कहानी पे वापस आ जाइए पंखे का तो पंखे में ठीक तो उस पंखे जो पंखा है उस पंखे में के जो ब्लेड्स हैं उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा था उसी को बोला जाता है पीरियड बोला जाता है टाइम पीरियड बोला जाता है ठीक तो ये जो पंखा का ब्लेड था ये पंखे के ब्लेड्स थे इसको कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा होगा ठीक उस टाइम को ही क्या बोला जाता है पीरियड बोला जाता है टाइम पीरियड बोला जाता है तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड इसे आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ये ऐसा दिया हो ना वो गलत ऐसा नहीं समझेंगे कि ये टी है वो धोखे से ऐसे मुड़ गया करके ना ना ये जो है वो टॉ बोला जाता है इसे ठीक तो टाइम सॉरी पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट पॉइंट तो किसी से उस वेव को पास करने में जितना टाइम लगता है वेव को एक पर्टिकुलर पॉइंट को पार करने में क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं पीरियड बोला जाता है टाइम पीरियड हेन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो टॉ इज इक्वल्स टू वन अपॉन न्यू ठीक टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है जस्ट उल्टा होता है ठीक तो फ्री पीरियड क्या होते हैं पीरियड इज द टाइम टेकिन फॉर टाइम टेकिन फॉर वन वेव टू पास अ पॉइंट हेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हो रही है आपको अब फिर से हम रिविजन कर लेते हैं एक तो वेव क्या होता है चलिए एक जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते जितने भी टर्म्स हमने अभी पढ़े तो फर्स्ट था वेवलेंथ वेवलेंथ है आता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव ये वेव्स ये वेव इस वेव्स के जो दो कॉन्सेक्टिव होंगे उनके बीच का डिस्टेंस और दो कॉन्जेक्टिव ट्रफ्स होंगे उनके बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोला जाता है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है लैमडा से किया जाता है ठीक नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ वेव्स पास्ट फ्रॉम अ पॉइंट इन अ वन सेकेंड तो वन सेकेंड में वन सेकेंड में ये जितने नंबर ऑफ वेव्स ये जितने नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर पाते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं वो पार कर पाते उसको पास कर पाते उसको ही हम क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी बोला जाता है ये जो होता है ये इस वेव का ये जो एनर्जी वो कैसे फॉर्म में आ रही है वेव के फॉर्म में आ रही तो ये जो वेव होता है ये पूरा एक ट्रफ और एक क्रिस्ट ठीक ये पूरा मिला के क्या होता है वन ऑस्कलेशन थी? तो एक सेकंड में ये जितनी बार भी ऑक्सीट होती एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ा तो एक सेकंड में ये जितनी बार भी ऑक्लेट होती है ऐसे ठीक तो इसको भी क्या बोला जाता है फ्रिक्वेंसी बोला जाता है ठीक ये भी क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट था वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन One second, okay? तो तो में जितना करती है है है. है उनको बोला जाता है, बोला जाता जाता था और तो और जो ट्र, क्रीस्ट का जो हाइट होता है और ट्र, का का होता होता उसको हम क्या बोलते हैं बोला जाता है. वेव नंबर क्या होता है वन सेंटीमीटर लेंथ में जितने भी वेव्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या है? है, बोलते हैं वेव नंबर बोला जाता है और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट हमने देखा था टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड क्या होता है कि वह उस वेव को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं वे टाइम पीरियड बोला जाता है या आप ऐसा समझ सकते हैं ये एक ऑक्सीलेशन हुआ ऐसे ये ऑस्कुलेशन हुआ तो वन ऑस्कलेशन में जितना भी टाइम लगता होगा उसको एक पूरा ये ऑस्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता होगा उस वेव को उसको बोला जाता है उसका टाइम पीरियड बोला जाता है ठीक जैसे कि ये वेव हुआ इस वेव को इस पर्टिकुलर पॉइंट से कंप्लीट वेव को ठीक जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है इस पॉइंट से इस कंप्लीट वेव को पहले ये वाला पार्ट पहले ये पार्ट आएगा फिर ऐसे ये जाते जाते ही ऐसे जाएगा ना तो उस वेव को कंप्लीट इस पॉइंट को पार करने में जितना टाइम लगा या उसको वन ऑस्कलेशन कंप्लीट करने में जितने टाइम लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोला जाता है टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो टॉ होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसीप्रोकल होता है ये ये होता है फ्रीकवेंसी के रेसिप्रोकल होता है ठीक तो अब नेक्स्ट हमें देखना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी वेव एंड फ्रिक्वेंसी अब हमने वेलोसिटी देख लिया वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस

इन टू वेव लेंथ ठीक वेलॉसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से फ्रीक्वेंसी को न्यू से लेमडा ठीक तो सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा ये बहुत यूज होने वाला है ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत हद यूज होने वाला है बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला है सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा तो यहाँ पे हमने जितने भी रिलेशन पढ़े एक ये हमने पढ़ा सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा एक वेव नंबर पढ़ा था वेव नंबर इज इक्वल्स टू वन अपॉन लैमडा ये पढ़ा था एक टाइम पीरियड के लिए देखा था कि टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है या फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है तो ये जो तीनों ही रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने क्योंकि जब अभी आगे हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो सब इन्हीं रिलेशन से ही बनने वाले हैं ठीक तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये ये जो होते हैं क्या बताते हैं कि ये एक दूसरे के प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर ठीक ये क्या होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ ये आया कहाँ से होगा ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है क्या ये आप याद रखिए सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा अब ये आया कैसे ये समझिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस Upon time. तो तो यहाँ पर क्या हो गई सी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस तो ये जो दो कॉन्सेप्टिव के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं लेमडा अब इस वेव को एक पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने में उसको पास करने में जितना टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड बोलते हैं या उसको आप क्या बोलते हैं टाइम उसको आप बोलते हैं क्या टाइम पीरियड बोलते हैं ठीक टाइम पीरियड तो यहां पर क्या आ गया टाइम टो ठीक ये हो गया टो तो. टाइम को हम किससे ले लेते हैं यहाँ टो तो होता है और वन अपॉन और इस यहां पर से देखिए टो इज इक्वल्स टू क्या वन अपॉन न्यू तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन अपॉन टो और यहां पर वन अपॉन टो ही है तो सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया लेमडा इन टू फ्रिक्वेंसी ठीक जो हम टॉ लेते हैं वो टाइम होता है तो ये तो लेमडा अपॉन टॉ हो गया तो वन अपॉन टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता था जस्ट अब भी हमने देखा था हमने ये ऐसा पढ़ा था कि जो टॉ होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टॉ तो यहाँ पर वन अपॉन टॉ ही क्या हो गया फ्रीक्वेंसी तो इसी से ये रिलेशन जनरेट हुआ कि सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा ठीक ये रिलेशन हो गया अब अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो गया तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखा ठीक तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वो डिफरेंस किसके बेसिस पे होती हैं ठीक तो ह्यूम बींग्स जो होते हैं वो ह्यूमन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं नेचर के बेस पर हो सकते हैं जो उनका फेस कट होता है उसके बेसिस पर हो सकते हैं ठीक तो ऐसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ठीक ये इनके इनमें डिफरेंस क्या होता है एक तो इनकी वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी ठीक तो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है ठीक है तो द डिफरेंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर ओनली इन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी तो ये किसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट होती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही डिफरेंट डिफरेंट होती है हमारे पास आपने सुना होगा एक्स रे सुना होगा एक्स रे कराने जाते हैं ना तो वहाँ पे कौन सी रेज निकलती एक्स रेज निकलती है तो वो जो एक्स रे होती है वो भी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है रेडिएशन होती है रेडियो सुनते हैं आप तो रेडियो सुनते हैं तो वहां पर भी उस रेडियो में वेव्स आती हैं तो वो वेव कौन सी है रेडियो वेव्स जो हैं वो भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ठीक इसके बाद आपने और क्या सुना होगा अल्ट्रा वॉयलेट रेज यूवी रेज जो वो आते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं सनस्क्रीन के तो यूवी रेज बोलता है रिफ्लेक्टेड यूवी रेज या उस यूवी रेज से सुरक्षित करते हैं ये सारी क्रीम्स तो वो यूवी रेज़ है क्या यूवी रेज भी क्या है एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है विजिबल विजिबल जो हम देख पाते हैं जिन रेस को हम देख पाते हैं जिन कलर्स को हम देख पाते हैं उनको हम विजिबल रेस बोलते हैं ठीक इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव वो आप घर में यूज करते हैं ना तो उसमें कौन सा जो हीट जनरेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है वहां पर माइक्रोवेव्स है वहां पर ठीक है तो ये सारे जो होते हैं ये कॉस्मिक रेज ये यूनिवर्स में होता है कॉस्मिक रे गामा रेज जो होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं बहुत अलग अलग मेडिसिन एरिया में वो यूज़ होता है एक्स रेज होते हैं अल्ट्रा वोलेट रेज विजिबल इन्फ्रारेड माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स तो ये सारे वेव्स ही क्या हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो और ये किसके बेसिस पे डिफरेंट होते हैं एक तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर और दूसरा वेवलेंथ के बेसिस पर ठीक तो ये देखिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफर ओनली इन देयर वेवलेंथ एंड एनहेंस फ्रीक्वेंसी देयर वेवलेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर तो यहां पर इनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है कॉस्मिक रेस का मतलब इनके जो वेव्स होंगे ऐसे ऐसे पास पास होंगे एकदम ठीक वेवलेंथ छोटा होना मतलब ये जो क्रीस्ट है और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना ठीक ये क्लियर हो गया आपको देखें गामा रेस तो गामा रेस का वेवलेंथ कॉस्मिक रेस से थोड़ा ज्यादा एक्सरेस का और ज्यादा अल्ट्रावायलेट का थोड़ा और ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा माइक्रोवेव का और और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेडियो वेव्स का मतलब एक इधर तो तो एक इधर ये एक एक इधर इधर तो ये देखिए कितना ज्यादा वेवलेंथ हो गया इनके बीच का तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है कॉस्मिक रेस का सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेडियो वेव्स का ठीक ये क्लियर हो गया अब वेवलेंथ क्लियर हो गया अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी ठीक वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी ये ध्यान में रहेगा आपको वेवलेंथ ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी कम क्यों अगर वेवलेंथ ज्यादा एक वेव इतना बड़ा है ठीक तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको जाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो ज्यादा वेव्स नहीं जा पाएंगे वहां पर तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसकी वेव की कम हो जाएगी जैसे कि इसी को देखिए ये कंप्लीट एक वेव हुआ इस पॉइंट से ये जब तक जाएगा तो एक वन सेकेंड में हम देखते हैं ना तो वन सेकेंड में ये इतना बड़ा वेव ही इससे जा पाएगा या दो तीन वेव जा पाएंगे ऐसा हम सोच सकते हैं तो वेव जब ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी ठीक तो जो रेडियो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो फ्रिक्वेंसी उसकी सबसे कम ठीक तो जो कॉस्मिक रेस होती है उसके वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी क्यों ज्यादा होगी ये देखिए या इसी के बेस पे समझिए यहां पर यहां हमने क्या सीखा अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक दूसरे के एंटी प्रपोर्शनल होती है यानी वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम ठीक क्यों कम देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकेंड ठीक तो अगर ये वेवलेंथ ज्यादा हो गई यहाँ यहां देखिए यह ये वेव लेंथ ये ज्यादा हो गई वेव लेंथ ये बहुत बड़ी बड़ी वेव्स है यहां पर ये बहुत बड़ी वेव्स है ना तो ये जो वेव लेंथ है ये बहुत ज़्यादा हो गई तो सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी ही वेव्स पास कर पाएंगी अगर एक वेव बड़े बड़े वेव्स हैं तो वहाँ पर से पास करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा या एक सेकेंड में कुछ ही वेव्स वहाँ पर से पास हो पाएंगी ठीक क्योंकि वहाँ पर वेव्स जो हैं ये इस कम्प्लीट इस एक ऑक्सीलेशन को वन वेव बोला जाता है ठीक तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ये ऐसे ये पास हुई फिर ये जब पास होगी इतनी बड़ी वेव जब पास होगी फिर दूसरी वेव आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है वन सेकेंड में जो नंबर ऑफ पासिंग वेव है एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो कम हो जाती है ठीक तो उसकी कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई वहां पर कम हो जाती है ठीक तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब वेव लेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है ठीक लिया अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं कि जब वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा होगी तो यहाँ वेवलेंथ कम मतलब ये बहुत ही कम डिस्टेंस है इनके बीच में तो इसको ये जो एक कंप्लीट वेव ये छोटी हो गई वेव तो इस ये वेव क्या होगी तो बहुत से बहुत जल्दी पास हो रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को पार करने में एक वेव को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वन सेकेंड में बहुत सारी वेव्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से पार कर पाएंगी और यही फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वन Second, तो एक में जब छोटी छोटी वेव्स तो उससे बहुत सारी वेव्स पास कर पाएंगी वहां पर से तो उसको ही बोला जाता है इसीलिए बोला मैंने कि जो फ्रिक्वेंसी सॉरी वेव कम तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा ठीक तो ये आपको क्लियर हो गया कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के रिलेशंस क्लियर हो गए बहुत अभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ठीक तो वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम ठीक एंटी प्रोपोर्शनल रखना है दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है वेव लेंथ ज्यादा तो फ्रीकवेंसी कम यहाँ पर हमने क्या कौन सा ऑर्डर देखा वेव लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा ठीक है मीन्स कॉस्मिक रे का वेव लेंथ क्या है सबसे कम है रेडियो वेव्स का वेव लेंथ सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर मैं पूछूं आपसे तो कॉस्मिक रेज है इसका वेव सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा तो क्या होगी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रम क्या है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को इनके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी इन दोनों में से किसी में भी अरेंज कीजिए तो एक सीरीज मिलती है हमको इस सीरीज को ही क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है इधर हो रहा तो द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ टेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां देखते हैं नेक्स्ट यह. इस साइड पर रेडियो का दें, गामारेस। तो यहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये जो रेडियो वेव्स है इनका वेवलेंथ लेंथ यहाँ पर ज्यादा दिख रहा होगा ये बड़ी बड़ी वेव्स दिख रही होंगी माइक्रोवेव्स में आके इनकी वेव्स थोड़ी छोटी होगी मतलब वेवलेंथ कम हो गया ये किस ऑर्डर में जमा हुआ है वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ये यह जो डायग्राम है वहां पर वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ तो यहाँ देखिए रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है वेव्स बड़ी-बड़ी हैं माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो कम है इंफ्रारेड की और कम है अल्ट्रावायलेट की देखिए और कम एक्सरे की और छोटी-छोटी वेव्स हो पास-पास आ गई उनके लेंथ और डेप्थ का जो सॉरी जो क्रीस्ट है और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम हो होंगे गामा रेस के, के केस में देखिए बहुत ही पास पास आ गए हैं ये ठीक तो इससे आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह से अरेंज हो होती है और इनका वेव और फ्रीकवेंसी कैसे एक दूसरे से चेंज होता होगा वहाँ पर तो ये क्या होते हैं ये पूरा ये कम्पलीट जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो हमें एक पूरी बहुत अच्छी से सीरीज मिलती है और उसी को ही क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट

रेंज तो ये जो विजिबल रेंज होता है सिर्फ इसी रेंज की लाइट्स को हम देख पाते हैं उनका क्या है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है उनका वेवलेंथ ठीक ये आपको ध्यान रखना है कि हम इनमें से इतनी सारी रेडिएशन में से सिर्फ हम किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख पाते हैं हम सिर्फ विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख पाते हैं और उनका यहाँ पर आपको विव्योर के फॉर्म में दिख रहा दिख रहा होगा रेड है येलो फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर ये विबड्योर याद है ना आपको विबड्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ठीक आयो याद ही होगा आप लोगों को ठीक तो यहाँ पर हम सिर्फ किस रेंज की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख पाते हैं हम सिर्फ विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख पाते हैं इनका वेव कितना होता है विजिबल रेंज का फोर तो टू सेवन नैनोमीटर ठीक है क्लियर तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको समझ आ गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट भी आपको समझ आ गया होगा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स भी समझ आ गए तो चलिए थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं इनके बारे में इनसे रिलेटेड तो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है कैलकुलेट वेव नंबर वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम ओके तो आपको क्या दिया हुआ है आपको वेव लेंथ दिया हुआ है तो गिवन देख लीजिए गिवन क्या है कितना हैोंग तो एंग को मैंने बताया था आपको किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है तो ये क्या हो गया टेन एक सेकेंड फिफ्टी एट हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मीटर एक सेकेंड ठीक है ये हो गया टेन टू दावर माइनस टेन मीटर आपको क्या निकालना है वेव नंबर मीन्स न्यू बार और न्यू बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन लेमडा ठीक वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से तो न्यू बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन अपॉन फिफ्टी एट हंड्रेड इंटू टेन टू दावर माइनस टेन ओके फिफ्टी एट इन टू टेन टू दावर टू इन टू टेन टू पावर माइनस एट तो यहाँ पर हो जाएगा 1 58. ये बेस सेम तो पावर्स क्या होती एड हो जाती बट यहाँ पर माइनस साइन है तो वो क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा वन बाई फिफ्टी एट इन टू टेन टू माइनस सिक्स तो ये हो गया ये वन बाई फिफ्टी एट लास्ट में करेंगे हम इसको माइनस सिक्स ऊपर जाके प्लस सिक्स हो जाएगा जब आप वन बाई फिफ्टी फिफ्टी एट से वन को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन टू इंटू टेन टू दावर सिक्स अब इसको आप अरेंज कर लीजिए ये जो पॉइंट है इसको आप टू प्लेस आके ले जाइए तो यहाँ पर पावर कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन पॉइंट सेवन टू इंटू टेन टू द पावर फोर तो ये किस में आ जाएगा ये मीटर में था मीटर में था ना तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स ठीक क्लियर नोट कर लीजिए फिर मैं इसे क्लीन कर दूंगी फिर हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या निकालना है हमें फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे क्लियर अब इसे मैं क्लीन कर रही ओके ठीक फिर से लैमडा कितना दिया हुआ था फिफ्टी एट हंड्रेड एंगल स्ट्रॉन्ग तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्टी एट हंड्रेड इन टू टेन टू दावर माइनस टेन मीटर तो ये हो जाएगा फिफ्टी एट इंटू टेन टू पावर माइनस एट मीटर कैसे किया मैंने ये दो जीरो इधर से हटा दिया मैंने ठीक ये जो पहले किया था ना टेन टू दी पावर टू करके फिर माइनस एट किया वैसे ठीक है अब क्या करना है फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू सॉरी फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू निकालना है और आपके पास गिवन क्या है लैम्डा है तो अब आप किस रिलेशन का यूज करेंगे आपको रिलेशन पता है सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा तो न्यू निकालना है तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा तो न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये क्या दिया हुआ है आपको वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन तो ये भी क्या होता है जो रेडिएशंस है वो सब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है उनका वेलोसिटी कितनी होती है उनकी वेलोसिटी होती है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ओके तो वे फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं थ्री इंटू टेन टू दावर एट वेलोसिटी हो गई लैमडा कितना दिया हुआ है हमारे पास फिफ्टी एट इन टू टेन टू दावर माइनस एट सॉरी सॉरी तो ये हो जाएगा कैंसल होगा क्या थ्री से नहीं हो पाएगा ठीक तो ये इसको पहले कर लेते हैं थ्री बाई फिफ्टी एट इंटू टेन टू दावर ये माइनस ऊपर जाके प्लस तो ये हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा और जब थ्री बाई फिफ्टी एट को आप सॉल्व करेंगे मीन्स आप फिफ्टी एट से फिफ्टी एट से थ्री को डिवाइड करेंगे तब वो कितना आ जाएगा जी आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन सेवन टू इंटू टेन टू दावर सिक्सटीन तो यहाँ पे भी आप पॉइंट्स को आगे ले आइए दो डिजिट तो ये हो जाएगा फाइव पॉइंट वन सेवन टू इंटू टेन टू दावर टू डिजिट इधर राइट साइड पे बढ़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटीन का फोर्टीन हो जाएगा ठीक इसकी यूनिट क्या हो जाएंगे ये मीटर पर सेकेंड था ठीक और लैमडा जो होता है वो हमने लेमडा किस में लिया था मीटर में तो ये मीटर मीटर तो ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इनवर्स ओके तो ये हो गया आंसर ठीक ये हो गया नोट कर लिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है द विविध भारती स्टेशन ऑफ स्ट एट फ्रिक्वेंसी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलो हर्ड्सुलेट आप अच्छा तो फ्रिक्वेंसी पहले लिख लेते किलो हर्ड्स कैलकुलेट देव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाई द ट्रांस मीटर लैमडा कैलकुलेट करना है वेवलेंथ वेवलिन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू तो ये आपका किस पार्ट से बिलोंग कर रहा है ये भी आपको देखना है ठीक तो आपको क्या दिया हुआ फ्रिक्वेंसी दी हुई है कितनी वन थ्री सिक्स एट किलो हर्ट्स तो आप इसको हर्ट्स में चेंज कर लीजिए कितना हो जाएगा वन किलो हर्ट्स इज इक्वल्स टू होता है टेन टू दावर थ्री

फ्रीक्वेंसी के क्या बोलते हैं यूनिट्स ही है, होता है साइकिल पर सेकंड होता है हर्ड होता है या सिर्फ हम उसको सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं ठीक है थीके? अब आपको लेमडा कैलकुलेट करना है तो लैमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे वही रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी तो क्या होता है रिलेशन सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा तो आपको अभी लैमडा कैलकुलेट करना है तो लैमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू और सी की वैल्यू कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वन थ्री सिक्स एट टू टेन टू कितना दिया हुआ है थ्री तो ये कितना आ जाएगा थ्री अपॉन वन थ्री सिक्स एट इंटू ये हो जाएगा ये टेन टू दी पावर एट और थ्री ऊपर जाके टेन टू पावर एट माइनस थ्री और ये थ्री से चले जाएगा क्या अच्छा, चौदह चौदह तीन सत्रह अठारह हाँ चले जाएगा ये कितने टाइम्स में जाएगा थ्री वन सा फोर टाइम में फोर के बाद फाइव फाइव के बाद सिक्स तो वन बाय फोर फिफ्टी सिक्स इन टू टेन टू पावर फाइव तो ये जब आप वन फाइव फोर फिफ्टी सिक्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप हाँ ये फाइव सही इसके यह आएगा आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन नाइन टू नाइन इंटू टेन टू दावर फाइव इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास इसका मीटर पर सेकेंड ठीक फ्रीक्वेंसी का भी कितना सेकेंड इनवर्स सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा आपके पास तो पॉइंट हटा लीजिए इसको हटा लेते हैं टेन टू दी पावर फाइव है तो उसको पूरा कर लेते हैं तो ये आ गया टू ट्वेंटी यहाँ एक दो तीन चार पांच तो टू वन नाइन पॉइंट टू नाइन है तो आप इसको थ्री भी लिख सकते हैं मीटर ठीक क्लियर तो ये हमारा आंसर आ गया क्या उसका लेमडा कितना टू वन नाइन पॉइंट थ्री मीटर अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स तो ये आप यहाँ पर विविध भारती है ऑब्वियस है रेडियो स्टेशन है तो रेडियो स्टेशन में कौन से वेव्स आएंगे रेडियो वेव्स ही आएंगे तो ये किस किस एरिया से या किस रेंज से बिलोंग कर रहे होंगे रेडियो रेडियो वेव्स रेंज से तो ये विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू रेडियो वेव्स ओके या आप इसे यहां से भी देखिए हमने जब ठीक ये आपने नोट तो कर लिया था ना ये यहाँ यहाँ देखिए जो ये रेडियो वेव है ये रेडियो वेव के लिए आप वेव लेंथ देख रहे होंगे ये टेन टू दावर टू है ठीक टू द टू हंड्रेड तो वो उसी रेंज के आसपास आ गया ठीक तो ये क्या हो गया रेडियो वेव से बिलोंग कर रहे थे अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है देव लेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक second, तो देव लेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज़ एक्सप्लेन एक्सप्रेस दिस वेव लेंथ इन अच्छा तो ये जो वेव लेंथ दिया उनको फ्रीकवेंसीज के टर्म में एक्सप्रेस करना है ओके okay. ठीक तो आपको क्या दिया है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम तो यहाँ देखिए आपको गिवन क्या क्या है पहले हम वॉयलेट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं ओके okay. वॉयलेट के लिए आपको आ, क्या दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है वेवलेंथ यहाँ पर दिया हुआ है फोर हंड्रेड

ठीक तो आपको पता है सी इक्वल्स टू न्यू लैमडा ये रिलेशन मैंने बोला था ना बहुत काम आएगा करके तो यहाँ पर आपको न्यू निकालना है तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी अपॉन लैमडा तो सी मीन्स थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और लैमडा कितना दिया हुआ है हमारे पास फोर इंटू टेन टू पावर माइनस सेकेंड मीटर तो मीटर मीटर कट जाएगा ठीक तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी थ्री बाई फोर इन टू माइनस सेवन ऊपर जाके ऐड हो जाएगा एट से तो एट और सेवन कितने हो जाएंगे फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इन टू टेन टू दावर फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स तो ये आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर फोर्टीन सेकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ही क्या होता है हर्ट जो होता है सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर फोर्टीन ठीक सिमिलरली आपको करना है किसके लिए रेड के लिए रेड कलर के, के लिए आपको कैलकुलेट करना है ठीक तो आप कर लेंगे ठीक है मैं ओके okay. आप करिएगा फिर मैं बता देती हूँ मैच कर लीजिएगा ठीक तो रेड कलर के लिए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है सेवन फिफ्टी मीटर। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ तो सेवन फिफ्टी इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर्स हो जाएंगे कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस एट मीटर ये कैसे किया आपको समझ आ गया यहाँ का एक जीरो उससे कट कर दिया मैंने आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स तो सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे की तरह है थ्री इंटू टेन टू पावर एट इन अपॉन लेमडा कितना दिया हुआ है आपके पास सेवेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस एट तो थ्री से कट जाएगा ये थ्री से टू टाइम्स में और फाइव टाइम्स में तो ये आ गया वन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर एट और एट सिक्सटीन हो जाएगा ये चले जाएगा ट्वेंटी फाइव से तो कितने टाइम्स में पॉइंट जीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा फिर एक जीरो तब फोर टाइम्स में टेन टू दी पावर सिक्सटीन तो ये डिजिट आगे ले जाइए पॉइंट आगे ले जाइए तो फोर इंटू टेन टू दी पावर फोर्टीन सेकेंड इनवर्स या फोर इंटू टेन टू पावर फोर्टीन हर्ट्स ठीक ये हो गया यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट ओके अब हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन किया बहुत से फिनोमेना को एक्सप्लेन किया बट इसके भी कुछ लिमिटेशन है इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो आइए अब हम उनके ड्रॉबैक्स पर डिस्कस करते हैं तो ये देखिए तो यहाँ पर बहुत देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन गिवन बाय मैक्सवेल वेल रिगार्डेड रेडियंट एनर्जी एज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स तो इन्होंने ये बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती है और किस फॉर्म में होती है वेव्स के फॉर्म में होती है तो ये जो वेव नेचर था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव्स का वो जो रेडियंट एनर्जी थी वो वेव के फॉर्म में है और कंटिन्यूस एमिट होते जाती है तो ये जो हमने सोचा था ये बहुत से फिनोमिना को तो एक्सप्लेन किए बट कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी क्या होती है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस पर हम बहुत अच्छे से एक टॉपिक है पूरा एक लेक्चर मैं शूट करूँगी इस पर तो अभी हम सिर्फ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ब्लैक बॉडी क्या होती है एक परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर तो ये परफेक्ट एमीटर और एब्जॉर्बर होती है मतलब आप इसमें जितने भी एनर्जी देते जाएंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी फिर बाद में वो पूरी की पूरी एनर्जी को एमिट कर देगी तो इससे जो रेडिएंट एनर्जी थी जो इससे जो एनर्जी एमिट हो रही थी उसके नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे द नेचर ऑफ रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ठीक सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक मेटल uh, पार्ट ले लेंगे मेटल ले लेंगे उस मेटल में आप जैसे ही लाइट uh, इलेक्ट्रॉन uh, निकल जाता है तो ये कैसे हो रहा है इसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे द ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सर्टेन मेटल वेन लाइट रेडिएशन स्ट्राइक्स द सर्फेट दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था थर्ड था द स्पेक्ट्रल लाइंस आर एमिटेड बाय सर्टेन एलिमेंट जो बहुत से एलिमेंट्स थे उनसे स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही थी मेन केस हम हाइड्रोजन के लिए स्टडी करेंगे तो वो एमिट क्यों हो रही थी ये भी वहाँ पर स्टडी नहीं हो पाया था ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वेव थ्योरी से तो अब इसके लिए आएगा प्लांक क्वांटम थ्योरी तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे और पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि बिल्कुल ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू